हेलो फ्रेंड्स, टेक बाइट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो, और अगर आपने उनमें से किसी एक पर भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब भी आप उस पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका ऑटो रिन्यूअल अपने आप सेट हो जाता है। आप किसी भी UPI मोड से पेमेंट अगर कर रहे हो या कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक ऑटो रिन्यूअल उनके एंड पे सेट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी मेंबरशिप प्लान ख़त्म होने वाला होगा, वो आपका ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, चाहे आप रिन्यू करना चाहो या ना चाहो। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने एंड से भूल जाते हो कि आपने किस किस OTT प्लेटफॉर्म पे मेंबरशिप ली हुई है, और वो आपका ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता है और आपके अकाउंट से आपके पैसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि मेरे पैसे कट गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास करेंटली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो उसी का एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप नेटफ्लिक्स पर ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर सकते हो। और UPI जो मैं साथ में यूज़ करूंगा पेमेंट के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा पेटीएम का एग्जांपल कि कैसे आप पेटीएम UPI पे नेटफ्लिक्स का ऑटो रिन्यूअल जो करेंटली मेरा सेट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे पैसे ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होंगे। इससे आपकी मेंबरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेंबरशिप तब तक पूरी चलेगी जब तक के लिए आपने ली हुई है। सिर्फ होगा ये कि जब आपका मेंबरशिप का बिलिंग साइकिल एंड होने वाला होगा तो उस डेट पे आपका ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा, आपको मैन्युअली रिन्यू करना पड़ेगा। और इससे कि आप सेफ साइड पे रहोगे, ये आपकी चॉइस पे रहेगा कि आप रिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, और आपके पैसे भी ऑटोमेटिक नहीं कटेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया हुआ है। तो मैं अभी आपको यहां पर दिखाता हूं कि कैसे आप नेटफ्लिक्स पे ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए, नेटफ्लिक्स ओपन करने के बाद सबसे टॉप राइट साइड पे ये जो आइकन आ रहा है अकाउंट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपकी प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाती है, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल्स एंड मोर। आपको यहीं पे जाना है, और इसके बाद आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जब अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर पे आपके ओपन हो जाएगा, पूरी आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप देखिए, UPI वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम, क्योंकि मैंने पेटीएम UPI से पेमेंट करी है, तो पेटीएम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और देखिए, एक ऑप्शन तो आपको यहीं पे मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कैंसिल मेंबरशिप। आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल मेंबरशिप पे क्लिक करके भी अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हो। इससे भी आपका जो साइकिल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने पीरियड के लिए आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उतना पूरा आपका नेटफ्लिक्स चलेगा, लेकिन इससे आपकी पूरी की पूरी मेंबरशिप ही कैंसिल हो जाती है। तो आप ये ऑप्शन तो यहाँ से आपको नहीं करना है, आपको मेंबरशिप कैंसिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऑटो रिन्यूअल को डिसेबल करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने UPI पे जाना है जिस UPI से आपने पेमेंट करी है। जैसे सब यहाँ पे मैंने पेटीएम से पेमेंट करी हुई है, तो मुझे उसके लिए पेटीएम पे जाना पड़ेगा। तो मैं पेटीएम ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पेटीएम ओपन हो गया है। तो आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाइए टॉप लेफ्ट पे, और यहाँ पे नीचे देखिए पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। मैं उस पर क्लिक करता हूँ पेमेंट सेटिंग्स पे, और पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पे देखिए UPI एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखिए, आप तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट, UPI ऑटोमेटिक पेमेंट्स और हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है UPI ऑटोमेटिक पेमेंट्स, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है netflix.com, ये ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे सेट हो रखी है मेरी, जो कि पर मंथ 199 का प्लान मैंने लिया हुआ है। तो ये netflix.com का ऑटो रिन्यूअल यहाँ पे सेट हो रखा है। आपने अगर किसी और OTT प्लेटफॉर्म का लिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये राइट साइड पे जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए हैं, पॉज पेमेंट, कैंसिल पेमेंट, व्यू इनवॉइस और नीड हेल्प। आपको जस्ट कैंसिल पेमेंट में यहाँ से क्लिक करना है, और ये आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट जो सेट हो रखी है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसको यूज़ करके आप किसी भी सर्विस का ऑटोमेटिक पेमेंट कैंसिल कर सकते हैं। ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है, आपने कोई भी किसी भी सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है अगर ऑनलाइन, तो उसकी ऑटोमेटिक पेमेंट आप इसी तरीके से कैंसिल कर पाएंगे। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो ये पेटीएम के लिए मैंने आपको बता दिया। आपने पेटीएम के अलावा अगर कोई और UPI मोड भी यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर भी ऑप्शंस को आप इसी तरीके से जाकर ढूंढ सकते हैं। ऑप्शंस हर UPI पेमेंट एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिल जाएंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।
We'll be right back.